बताओ वो कितना शोर कर रही थी। आपने सुनी नहीं क्या उनकी बातें? वो समझती हैं कि हम बेगैरत हैं। So, friends? I'm sorry. मैं जानती हूँ कल रात बहुत गुस्से में थी, नाराज हूँ अभी तक। तुम्हें मेरी नाराजगी से फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है। तुम जानते हो मैं इजहार करने के मामले में ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना मुझमें एहसास नहीं है। मैं अपने करियर के पीक पे हूँ इस वक्त, बच्चे के झंझट में नहीं पड़ना चाहती। You know, at the peak of my career right now. I hope you understand. मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। जिंदगी हो मेरी, हो माय लाइफ। आई लव यू। अम्मा, वो अब्बा के पेंशन के पैसे आ गए होंगे ना बैंक में? हाँ, आ गए होंगे। अच्छा किया याद दिला दिए, अभी आपा से कहती हूँ औरंगजेब से कह के मंगवा ले। नहीं अम्मा, मैं ले आऊंगी। पावली तो नहीं हो गई है, तू जाएगी बैंक? तो क्या अम्मा, मैं नहीं जा सकती क्या? और वैसे भी मुझे पुराने मोहल्ले जाना था, वो नसरीन बाजी है ना, उनसे सिलाई के पैसे लेने। रहने दे, तूने कौन से रास्ते देखे हैं यहाँ? रास्ता भूल गई तो कहाँ ढूंढूंगी तुझे? अम्मा फिर क्या हुआ? और फिर कब तक हम लोग दूसरों के सहारे जीते रहेंगे? बस मेन रोड तक जाना है, वहां से बस पकड़ूंगी, सीधा बैंक उतर जाऊं। आध पौन घंटे में मैं वापस आ जाऊं। लेकिन आफरीन, अम्मा कौन सा चांद पर जाना है, बैंक तक ही तो जाना है मुझे। ठहर, मैं भी चलती हूँ। अम्मा इसका मतलब आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? बैंक में जितने भी पैसे होंगे मैं लाकर आपके हाथ पे रख दूंगी। आफरीन कैसी बातें कर रही है, मैं ये सोच रही हूँ रास्ता भटक गई तो। अम्मा मैं बच्ची नहीं हूँ जो मैं रास्ता भूल जाऊँ, आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें। मैं बस यूं गई और यूं आई। आफरीन मेरा दिल खोल रहा है। अम्मा फिक्र नहीं करो ना प्लीज, मैं बस आई, जल्दी से आई। अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत करना। आओ बैठो, तो मैं जॉब करता हूँ। नहीं मैं खुद चली जाऊँ। आप ये जा रही है क्या? जी। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। नहीं बस मेन रोड तक बस ले लूंगी मैं। आप बस से क्यों जाएंगी, घर में इतनी सारी गाड़ियाँ मौजूद हैं, आप यूज कर सकते हैं। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मेन रोड भी जरा दूर है, वहाँ तक ड्रॉप कर सकता हूँ मैं आप। नहीं कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। As you wish.
यार तूने तारीफ तो ऐसी की थी जैसे हिना रबानी घर हो। मैं तो बहुत क्यूरियस हो रहा हूँ यार। अब वो घर पर नहीं थी तो कहाँ से लाता उसे? अरे गाड़ी लगा साइड में। कहाँ जा रही हो? वो मैं बैंक तक जा रही थी। क्या बात है, परेशान लग रही हो। वो मुझे रास्ते नहीं मिल रहे। आओ बैठो तो मैं ड्रॉप करता हूँ। नहीं मैं खुद चली जाऊँ। तुम आगे आओ, ये पीछे बैठता है। आप मुझे सिर्फ रास्ता बता दे, मैं खुद ही चली जाऊँ। इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो तुम? नहीं मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे वो देख, देख क्या हो रहा है। जा पीछे। मैं? चल भी जाना। हाँ अब बोलो। तुम्हें कहा था ना मैंने और जाऊं उनके पास। मुझे क्या पता था कि पठान आ जाएंगे। खाओगी?
आप लोग कभी तक इधर ही हैं? Any problem? चलें घर। शुक्रिया। Come on यार, don't be so formal. इसमें thanks की क्या बात है? जब तुम मुझे omelet बना के दे सकती हो, तो मैं तुम्हें thanks नहीं drop कर सकता। वो तो बस एक मामूली सा favor था। It depends. मेरे लिए omelet बनाना बहुत मुश्किल था, और तुम्हें thanks drop करना बहुत आसान था। फिर भी। Friends. No, thank you. चलो घर चलें, चलो, चल सजूट। अरे आप ही जाओ। यार क्या फायदा हुआ तेरी इतनी शराफत की एक्टिंग करने का, सारी वेस्ट कर दी तूने यार। तू अब रिटायर हो चुका है, कोई तेरी दोस्ती रद्द कर देती है वो सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूं यार? मेरी जान, माय हार्ट गोज फॉर यू। हमेशा बकवास ही करना तू। नो इट्स ट्रू मैन, ये वो लड़की नहीं जो तेरी बड़ी गाड़ियों से, तेरे बंगले से, तेरी स्पोर्ट्स कार से इंप्रेस हो जाए। ये मिडिल क्लास क्रिएचर है मेरे दोस्त। ये शायद मंगनी या शादी के झांसे में तो आ सकती हैं, पर बॉयफ्रेंड्स अफोर्ड नहीं करेंगे। मंगनी, व्हाट रबिश मैन। मैं बता रहा हूं यहां तेरी दाल गलने वाली नहीं है, अनलेस तू उससे शादी कर ले। वो अलग बात है कि अगर तू उसको भाभी बनाना चाहता है। खातून पब्लिक स्कूल, तौबा कर। अरे इसको ठीक कर दे। सलाम अलैकुम पापा। अरे वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। आज बहुत जल्दी आ गए। पुप्पो बस आज जरा काम का मूड नहीं था इतना। अच्छा अच्छा, आज तुम्हें अपने दोस्त की पार्टी में भी जाना है ना? नहीं पुप्पो, मैं वहां नहीं जा रहा आज। तुम तो बता रहे थे कि वहां तुम्हारे सारे पुराने दोस्त इनवाइटेड। बस वैसे कोई खास मूड नहीं हो रहा जाने का। मूड नहीं हो रहा? उस वक्त तो तुम बहुत एक्साइटेड थे, अब क्या हो गया? वो दरअसल फूफो मेरे सर में कुछ दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा जाके बस ही थक जाऊंगा। औरंगजेब, तुम्हें शायद किसी ने बताया नहीं, चल मैं बता देती हूँ, तुम बिल्कुल भी अच्छे एक्टर नहीं हो, इसलिए कि झूठ तुम्हें बोलना ही नहीं आता। छोड़े ना पप्पो, आप भी मुझे टालो मत औरंगजेब, मैं वजह जानना चाहती हूँ। फैमिली इनविटेशन था पप्पो, और अगर मैं हिबा के बगैर जाऊंगा तो सब लोग मुझसे पूछेंगे। वैसे भी इन 6 सालों में मेरे दोस्तों ने मेरी बीवी को देखा तक नहीं, फिर मैं उसके बगैर जाऊंगा तो जरा ऑकवर्ड फील करूंगा। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि तुम बहुत तन्हा और बुझे बुझे से लग रहे थे मुझे। अगर तुम अपने दोस्तों में जाते हो तो फूफो, तन्हाई मिटाने के लिए मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है, आप हैं ना मेरे साथ। मुझे लफ्जों से ना बहलाओ, माँ नहीं हूं मैं तुम्हारी, लेकिन माँ बनकर पाला तो है। फूफो आप भी बस बिला वजह इमोशनल हो रही हैं। अच्छा, उस दिन हिबा ठीक कह रही थी भाई, मुझे तुम्हारी दूसरी शादी कर देनी चाहिए। पप्पू
क्या हो गया आपको? यहाँ पे तो एक नहीं समझ रही, दूसरी आ गई तो मैं रोने के काबिल भी नहीं रहूंगा। तो है। तुम कितने बेकार आती हो, यहाँ पे खड़े होके अपना वक्त जाया कर रहे हो। अच्छी तरह से जानते थे आज ब्लॉगर्स को मैंने लंच पे बुलाया है, आते उनसे मिलते उन्हें अपनी शक्ल दिखाते, ये तौफीक तो तुम्हें हुई नहीं है। सारा दिन तुम्हें कॉल्स करती रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठाया है मेरा? देखो हिबा, जहां ना आने की बात है, मैं तुमसे एक्सक्यूज कर चुका था पहले, और मैं तुम्हारा फोन इसलिए नहीं उठा पाया क्योंकि मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था उस वक्त। भाड़ में जाए तुम्हारी मीटिंग्स, तुम्हारे बारे में हर किसी ने पूछा है, जरा सा भी तुम्हें अंदाजा है कितना ऑकवर्ड फील किया मैंने तुम्हारी वजह से? हिबा हिबा बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है, अपना मुंह ठीक कर लो बच्चे। मामा कैसे कोई बात नहीं है, ये कोई मामूली बात थोड़ी है। इसकी वजह से मेरी इंसल्ट हुई है और मैं इससे बात तक ना करूं, पूछूं ना इससे? इंसल्ट सिर्फ तुम्हारी नहीं है हिबा, सबकी इज्जत होती है। कहा तो मैंने भी तुम्हें था ना मेरे साथ जाने को, लेकिन तुमने तो मना कर दिया। मैंने भी तुम्हें फोर्स नहीं किया। एक्सक्यूज मी, अपनी थर्ड क्लास पार्टी को तुम मेरे ऑफिशियल लंच के साथ कंपेयर कर रहे हो, बदला ले रहे हो मुझसे? नहीं, तुम्हें सिर्फ रियलाइज करवा रहा हूं। क्या क्या रियलाइज करवा रहे हो, किस चीज की रियलाइजेशन? बस कर दो हिबा, खत्म करो अब ये तमाशा, वो कुछ गलत भी नहीं कह रहा तुमसे। एक मिनट, आप इसकी फेवर कर रही हैं? मैं फेवर नहीं कर रही, सिर्फ समझा रही हूँ तुम्हें। मुझे आपकी किसी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है मामा, ये सौगातें अपने भतीजे तक ही महदूद रखें आप। हिबा, औरंगजेब, पप्पू, मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। और तुम्हारे लिए मुझे फ्लैट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब चाहे अंदर आ सकती हो। ये रहो। आफरीन, रोजाना याद से आपा के पांव दबाया कर, मालिश किया कर, अब आप अपना ख्याल नहीं रखती। अब तुम आ गई हो ना, खुद से ख्याल रख लेना मेरा। हे बा बेटी, कहां रहती हो भाई, तुम तो ईद का चांद हो गई हो, नजर ही नहीं आती हो। मुझे नहीं पता था जब आप मुझे देखती हैं तो आपकी ईद हो जाती है। क्या कर रही हो, ध्यान से गिरा मत देना उन पर। क्या हो गया तुम्हें, ऐसे क्यों बोल रही हो? ये तो मेरी बहुत प्यारी बेटी है, रोजाना मेरे लिए अपने हाथों से यखनी बना के लाती है, तुम खामखा इसे डांट रही हो। मामा मुझे नजर आ रहा है, देख रही हूँ कैसे हो रही हैं आपकी रोज रोज खिदमतें। हे बा बेटी, दरअसल आपा को आफरीन के हाथ की यखनी बहुत पसंद है, इसलिए ये बनाकर लेकर आ गई थी, और तो कुछ नहीं है। मामा, मुझे आपको ये बताना था, अभी वीकेंड पे मेरे कुछ दोस्त आए, छोटी सी पार्टी रखी है। अच्छा, अरे फिर तो बड़ी रौनक होगी। आपा, हमारे पुराने मोहल्ले में दो चार लोग जमा हो जाया करते थे तो वो अल्ला गुल्ला मच जाया करता था। यहाँ तो इतने अरसे से हम यहाँ आए, यही नहीं पता कि बराबर में कौन रहता है। इसलिए क्योंकि ये आपका पुराना मोहल्ला नहीं है। और एक बात और क्लियर कर दूं, ये जो लोग आएंगे ये मेरे मेहमान हैं, मेरे दोस्त हैं, आप नहीं जानती उन्हें, इसलिए उनके साथ मिंगल करने की कोशिश ना कीजिएगा, अपने क्वार्टर में ही रहिएगा। ये क्या बात हुई भला, ये घर की पार्टी है, घर के ही लोग होंगे ना, जब हम सब उस पार्टी में होंगे तो फिर ये दोनों क्यों नहीं? क्या कहूंगी उनसे, क्या कह के इंट्रोड्यूस करवाऊंगी मैं? रिश्तेदार हैं तो रिश्तेदारी कहोगी ना, अब उन लोगों के लिए
हम अपने रिश्तेदारों को तो नहीं छोड़ सकते ना। He's trying to understand. मैं समझ रही हूँ तुम जो कहना चाहती हो। तुम क्यों फिक्र करती हो? भाई मैं इन दोनों के लिए बहुत अच्छे से ड्रेसेस मंगवा लूंगी। मामा मैं कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहती। मैं भी कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती इमा। अच्छा भाई देखते हैं कि आज यखनी कैसी बनी। कैसी? बहुत मजेदार। एबा हेलो जी हिबा इस वक्त ज़रा बाहर है, आती है तो मैं उन्हें कह देता हूँ आपको फ़ोन कर लेंगे। थैंक यू। एक तो जिसका दिल चाहता है वही हमारे घर आता है। किसी को खाना खाना है तो उसे साथ बिठाइए, किसी का मूड खराब है तो उसे पार्टी में साथ लेकर जाइए। व्हाट आर यू डूइंग? तुम मेरा फोन चेक कर रहे थे? तुम इतने इंक्विजिटिव हो मेरे बारे में? नहीं नहीं ये तो मेरा फोन तुम्हारे हाथ में कर क्या रहा है ओरी? नहीं हिबा ऐसा नहीं है, मैंने समझा शायद इंपॉर्टेंट कॉल होगी इसलिए मैंने उठा के कह दिया तुम बाद में फोन कर लो। I can't believe you. तुम जरा से भी सेंसिबल नहीं हो। प्राइवेसी नामी भी ना लोगों में चीज होती है। प्लीज Please try to understand. What do you want me to understand? उन्होंने क्या तुमसे बात करने के लिए कॉल की है? सिर्फ रिसीव करके कहा है कि तुम बाद में फोन कर लोगी। Listen, मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना। कितनी दफा तुम्हें बोलूं मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो, मुझे नहीं अच्छा लगता। I'm sorry. Please ये झगड़ा बंद करो प्लीज। इधर दो। एक तो ऑलरेडी बहुत अपसेट हूँ, मामा ने जाहिलों को मेरी पार्टी में बुला लिया है। पता नहीं ये लोग क्या मेरी बेइज्जती करवाएंगे, ऊपर से तुम्हारी उल्टी सीधी हरकतें नहीं कम हो रही। तुम उनका गुस्सा मुझ पे निकाल रही हो। मैं भी देखती हूँ ज़किया खाला और उसकी बेटी मेरी पार्टी में कैसे आती है। यू नो व्हाट, इन लोगों को धक्के मार के निकालूंगी। आफरीन सब ठीक है? ओ औरंगजेब भाई मैं सोच रही थी कि मैं जॉब कर लूं। जॉब? लेकिन तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है? अगर किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताओ। नहीं नहीं मुझे किस चीज की जरूरत है, सब कुछ ही दिया हुआ है आपको। सर मैं सारा दिन मैं फ्री रहती हूँ तो मैंने सोचा कि जॉब कर लूँ। अच्छा तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? इंटर। इंटर देखो आफीन क्वाइट फ्रैंकली स्पीकिंग एक रिस्पेक्टेबल जॉब के लिए क्वालिफिकेशन जरा कम है। आई वुड सजेस्ट कि पहले तुम बैचलर्स कंप्लीट करो उसके बाद किसी और चीज़ का सोचना। ओके ठीक है मैं ऐसा करता हूँ किसी से कॉलेज के फॉर्म्स मंगवा लेता हूँ। नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं औरंगजेब भाई, आप लोगों के पहले इतने एहसानात हैं, क्या मैं पढ़ाई का खर्चा भी आप लोगों पे डाल दूँ?
बस मैं जब जॉब करने लगूंगी तो फिर अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर। ओके। हाय, क्या पढ़ रही हो? ओह नॉवल, लेकिन ये तो कोई रोमांटिक नॉवल है जी। लेकिन तुम तो कह रही थी कि लड़की को रोमांस ही करना चाहिए। हाँ तो नहीं करना चाहिए? तो अगर रोमांस नहीं करना चाहिए तो पढ़ना भी नहीं चाहिए। इसमें बहुत अच्छी उर्दू वोकैब भी है। ओह खैर, अब मुझे चलना चाहिए, देर हो गई। लगता है तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लग रहा क्या? बुक। ओ श्योर। सुनो, एक बात तो बता तुझे, ये वोकैबुलरी तुम कहाँ यूज करोगी? ना तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, जहां तक मुझे लगता है कि तुम शादी के बाद अपने हस्बैंड को इंप्रेस करोगी उर्दू सुनाकर। आप बहुत ज्यादा पर्सनल नहीं हो रहे? इससे पर्सनल क्या बात है, थोड़ा आउटस्पोकन हूँ और थोड़ा फ्रैंक भी हूँ। बहुत ही अच्छा तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ मैं, अगर तुम चाहो तो। और ये तीसरी बार ऑफर है। किस टाइप की दोस्ती चाहते हैं? हर तरह की दोस्ती, उठने बैठने की, घूमने फिरने की, खाने पीने की। और तुम्हारे लिए मुझे फ्लैट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम जब चाहे अंदर आ सकती हो। यू नो, तुम्हारे जैसी मेरी एक मेड भी थी, बिल्कुल तुम जैसी। प्यार से बुला रही हैं आप, कल से दो बार पूछ चुकी है तेरा, और तू है कि एक ही रट लगा रखी है, नहीं जाना है, बस नहीं जाना है। क्यों? अम्मा मैंने कह दिया ना नहीं जाना एक दफा, बस तो फिर मैंने नहीं जाना। ये तू क्या है, बाकी बातों को दिल से लगा के बैठी हुई है, उसकी तो आदत है, वो तो बोलती रहती है। देख मेरा बच्चा, चल आ जा। देख आपा तो हमारा ख्याल रखती है ना, कितना प्यार करती है हमसे। अच्छा नहीं लगता कि तुम नखरे दिखाओ। चल चल शाबाश, आ जा मेरा बच्चा। माँ प्लीज। ज़किया खाला। हाँ। बड़ी बीबी जी का फोन है, आफरीन बाजी से बात करनी है। देखा, तेरे नखरों की वजह से रशीदा को भेजना पड़ा उन्हें, और फोन भी कर लिया। जी आपा। जी जी, आपने क्यों जहमत की? जी जी हम आ रहे हैं। जी जी जी, आफरीन से बात करें। कैसी हो बेटा, तुमने तो शक्ल ही नहीं दिखाई। वो ऐसी कोई बात नहीं आंटी। अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर जल्दी से आ जाओ मेरी तरफ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यारा सूट सिलवाया, मुझे पहन कर दिखा दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आंटी। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, बस तुम जल्दी से आ जाओ। बेटा मैं जानती हूँ कि हिबा की बातों से तुम बहुत ज्यादा हर्ट हुई हो, लेकिन क्या करें, उसका मिजाज ही कुछ ऐसा है। अभी तो शुक्र करो कि आसमान सिर्फ साथ है, अगर आठ भी होते ना तो उसका दिमाग कहीं इससे ऊपर था। खैर छोड़ो इन बातों को, अब जल्दी से आ जाओ,
बेब, अगर अल्ट्रेशन में कुछ इशू हुआ ना तो औरंगजेब का ड्राइवर है ना, उसे भेजकर हाथ के हाथ ठीक करवा लेंगे। नहीं आंटी, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आफरीन, बड़ों को अपने सामने झुका दो तुझे अच्छा लगता है? कहते हैं हमारे, देख यूं नखरे नहीं दिखाते। तो प्यार से बुला रही हैं आपा? ये दो हम आ रहे हैं। शाबाश आंटी, मैं और अम्मा आ रहे हैं। ठीक है बेटा। आ रहे हम। ए आफरीन, आफरीन जल्दी से नाप करके आपा को दे। कितनी मोहब्बत करती है तुझसे, और तू है कि? अम्मा आप बात क्यों नहीं समझ रही, मुझे नहीं जाना फंक्शन, पर उन्होंने हमें बुलाया, हम आ गए। उन्होंने हमें सूट दिया, हमने ले लिया, अब खत्म करें। अम्मा पागल ना हो, देख मेरा दिमाग मत खराब कर, जल्दी से ये नाप करके आपा को दिया। क्यों उनके पैसे बर्बाद करने पर तुली हुई है? आ, ए देख बेटा, पता नहीं क्या जिद लेके बैठी हुई है। अब इसे कौन समझाए कि गरीबों को ऐसे नखरे नहीं जचते? इसके दिमाग में ये बात समाए तब ना। मैं ऐसी कोई बात नहीं, आपको पता है हमने पहले कभी ऐसे फंक्शन अटेंड नहीं किए, और हिबा आप ही बिल्कुल ठीक कहती हैं कि हमें अपने क्वार्टर में रहना चाहिए। देखो, अगर पहले कभी अटेंड नहीं किया इसका ये मतलब नहीं है कि बाद में भी अटेंड नहीं करो। देखो मेरा मानना है कि लड़कियों को सोशल होना चाहिए, लोगों से मिलने से विजन ब्रॉड होता है। ए बेटा, इससे तो तू रह नहीं दे, इसकी नाक बहुत ऊंची है। देखो आफरीन, मैं जानता हूँ कि हिबा की बातों से तुम हर्ट हुई हो, वो है तल्ख मिजाज, लेकिन पोपो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहती, मगर हमें ये भी तो पता है ना कि हिबा आप ये सब कुछ पसंद नहीं करती, तो फिर हम क्यों उनको शर्मिंदा करें सबके सामने? लेकिन ये भी कहां का इंसाफ है कि एक इंसान की वजह से दूसरों के खुलूस को इग्नोर किया जाए? देखो, ना तो तुम हिबा की नेचर को चेंज कर सकती हो और ना ही पोपो की तबीयत को। ये बात मैं जानता हूं कि पोपो तुम्हें अपने साथ लेके ही जाएंगे, इसलिए नफरतों को दिल से लगाने के बजाय मोहब्बतों के लिए दिल में जगह पैदा करो। कभी कभार बहुत कुछ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की खुशी के लिए करना पड़ता है। क्या करें, इसी का नाम जिंदगी है। मामा, मुझे शादी करनी है। किससे? आफरीन से मामा। ये तो कौन आया है? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है हमारी गुड़िया। चश्मे बद्दूर, ज़किया इसकी नजर उतार लेना। ए आपा, चंदे आफताब चंदे महताब, माशाल्लाह मेरी बेटी शहजादी लग रही है, शहजादी। बाकी माशाल्लाह नजर नहीं ठहर रही इस पे। ज़किया, कोई अच्छा सा घर देख के ना बिटिया की शादी कर दे, बेटियां जितनी जल्दी अपने घर वाली हो जाए उतना ही अच्छा है। मैं तो तैयार हूँ आपा, आप यकीन करें
मेरी बच्ची जहां जाएगी ना उजाला ही उजाला करेगी इंशाल्लाह। ये तो है ज़किया, एक दो घर हैं मेरे जहन में अच्छे, यूं करते हैं कि ये फंक्शन निपट जाए फिर बैठ के बात करते हैं। जी जी क्यों नहीं जरूर। मामा आप ही कह रही, आपा जी मैं अभी आई। हाँ ठीक है। ये शायद मंगनी या शादी के झांसे में तो आ सकती हैं, पर बॉयफ्रेंड्स अफोर्ड नहीं करेंगे। हाँ बोलो क्या कह रहे थे तुम। हाँ मामा मुझे शादी करनी है। क्या मतलब। हाँ मामा मुझे शादी करनी है। किससे। आफरीन से मामा। रिबा बेटी हम खुद नहीं आए, आपा जी ने बुलाया है हमें। सच्चे खाला आप यहाँ रह रही हैं, आपके लिए यही काफी होना चाहिए। अगर मामा ने आपको बोला था तो आप मना कर देती, जैसे सच दर्ज के आना जरूरी था। एक बात कहूँ आफरीन, इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तुमने उसे देखा नहीं है, बात करने की उसे तमीज नहीं है, लोग उसे मुंह नहीं लगाते, चुपचाप कोने में बैठी रहती है वो, क्या बोलोगे। I don't care about people. मैं जानती हूँ अम्मा के क्या हुआ और ये हमें घर से क्यों निकाल रहे हैं।